कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप फोटो खींच रहे हो एंड आप लाइव व्यू में हो, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, कंपोजिशन ठीक कर ली एंड एक्सपोजर देख रहे हो, जो आपकी एलसीडी स्क्रीन है उसके हिसाब से एक्सपोजर ठीक आ रहा है एंड आप फोटो खींचते हो तो या तो ओवर एक्सपोज आ जाती है या अंडर एक्सपोज हो जाती है एंड देन फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। आज मैं आपको एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो कि Lumix S5 Mark II एंड S5 Mark II X में है, जिससे कि आपकी ये जो रियल टाइम एक्सपोजर की प्रॉब्लम है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वेलकम टू Lumix Lessons। और जो मैं फीचर की बात कर रहा हूं उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट प्रीव्यू। इससे पहले कि मैं आपको कॉन्स्टेंट प्रीव्यू के बारे में इन डेप्थ बताऊं, मैं आपको जो सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो Lumix S5 Mark II से कर रहा हूँ एंड जो आपको दिखेगा स्क्रीन पर वो Lumix S5 Mark II X है। दोनों में ये टोटली आइडेंटिकल है। सो आप ये देखिए कि अगर मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मुझे लाइट ठीक लग रही है। लेट मी क्लिक एंड शो। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखिए जो फाइनल इमेज आई वो डार्क आ गई, अंडर एक्सपोज आ गई। इसका मतलब यह है कि मुझे जो मेरी एलसीडी स्क्रीन थी कैमरे की वो रियल टाइम एंड एक्चुअल एक्सपोजर नहीं दिखा रही थी। अगर आपको DSLR के टाइम का याद होगा तो उस समय एक प्रीव्यू बटन आता था कि अगर मुझे देखना है कि मेरी फाइनल इमेज कैसी आएगी तो मैं प्रीव्यू बटन दबाता था एंड मुझे वो शो कर देता था। मिररलेस के जमाने में चीजें डिफरेंट हो गई है, मुझे एक सेटिंग करनी पड़ेगी जिसको कि हम लोग कॉन्स्टेंट प्रीव्यू कहते हैं। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टेंट प्रीव्यू मेन्यू में है कहां पर। सो मैं मेन्यू प्रेस करता हूं तो हम लोग आएंगे सेकंड थर्ड जो ब्लू कॉग व्हील है इस पे आएंगे। तो फर्स्ट पे नहीं है, वेलकम टू सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ में मेरे को ऊपर ही दिख जाएगा सेकंड ऑप्शन है कॉन्स्टेंट प्रीव्यू। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है। जब मैं इसको प्रेस करता हूं तो मेरे को दो ऑप्शंस और दिखा रहा है, एक ऑन और एक सेट। सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूं। ऑन करने के बाद अब मैं सेट करता हूं इसको, कौन सी ऑप्शंस मिल रही हैं। सो मेरे को दो ऑप्शंस दिखा रहा है, एक है इफेक्ट और एक है प्रीव्यू वाइल मैनुअल फोकस असिस्ट MF Assist। प्रीव्यू वाइल MF Assist को मैं प्रेफर करता हूं ऑफ रखना। ये बेसिकली क्या है कि जो आप सेटिंग कर रहे हो कॉन्स्टेंट प्रीव्यू की, ये सेटिंग आप जिस समय मैनुअल फोकस असिस्ट में काम करके आप मैनुअल फोकस को यूज कर रहे हो उस समय भी काम करेगा। मेरे लिए ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपने वो यूज करना है देन आप कर सकते हो। तो मैं राइट नाउ आई एम पुटिंग इट ऑफ। इफेक्ट में अगर हम जाते हैं तो हमको तीन ऑप्शंस दिखाता है। पहली ऑप्शन है ऑटो मोड में अपर्चर एंड मैनुअल मोड में अपर्चर। सेकेंड है ऑटो मोड में अपर्चर एंड मैनुअल मोड में अपर्चर प्लस शटर स्पीड। एंड थर्ड ऑप्शन है ऑटो मोड में नो इफेक्ट एंड मैनुअल मोड में अपर्चर प्लस शटर स्पीड। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं, मैनुअल मोड में अपर्चर का मतलब है कि मुझे सिर्फ डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाएगा, डेप्थ ऑफ फील्ड का चेंज दिखाएगा। हम क्विकली इसको करके देख लेते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो हर चीज शार्प फोकस में है। अपर्चर साइज जो है वो क्लोज्ड है, हायर नंबर है। तो मैं अपर्चर को ओपन करता हूं। आप देखिए क्या हो रहा है, मैं जैसे ऐसे ओपन करता जा रहा हूं तो बैकग्राउंड ब्लर होता जा रहा है एंड जो सामने एक बर्ड पड़ी है वो भी ब्लर हो रही है। अब मैं फिर से इसको क्लोज करता हूं अपर्चर की सेटिंग को, तो हर चीज फोकस में आनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, सो जिस समय मैं अपर्चर की सेटिंग पे सिर्फ रखता हूं तो मुझे एक्सपोजर को सिमुलेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड एक्चुअल में क्या चेंज हो रही है वो दिखा रहा है। आई वुड प्रेफर टू गो टू कॉन्स्टेंट प्रीव्यू में मैं सेटिंग पे जाके मैं इफेक्ट में सेकेंड ऑप्शन ले लूंगा विच इज अपर्चर प्लस शटर स्पीड। जब मैं ये ले लेता हूं तो देखिए क्या होता है। तो मैंने जो कैमरे में सेटिंग रखी है वो है अपर्चर F9, शटर स्पीड है 1/50 एंड ISO है 2500। अब मैं आपको जो चेंजेस करूंगा एक्सपोजर में चेंजेस करूंगा, मैं अपर्चर को जिस समय ओपन अप करूंगा तो आपको नजर आएगा एक्सपोजर में भी चेंज होता, रियल टाइम नजर आएगा एंड आपको डेप्थ ऑफ फील्ड, आप दोनों पे नजर रखिए क्या क्या हो रहा है। सो मैं अपर्चर को ओपन करता हूं, दैट विल चेंज द एक्सपोजर एज वेल एज द डेप्थ ऑफ फील्ड। सो ये देखिए एक्सपोजर रियल टाइम चेंज हो रहा है एंड डेप्थ ऑफ फील्ड रियल टाइम चेंज हो रही है। अगर मैं इसको उल्टी साइड ले जाता हूं अपर्चर को ही, तो देखिए डेप्थ ऑफ फील्ड भी
चेंज हो रही है एंड एक्सपोजर रियल टाइम चेंज हो रहा है। अगर मैं राइट नाउ मैं फोटो क्लिक करता हूँ, मुझे जो फाइनल इमेज मिली है वो एक्चुअल वही मिली है जो कि मेरे को दिख रही थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्स्टेंट प्रीव्यू। Lumix S5 Mark II एंड S5 Mark II X में ऐसे कई फीचर्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना जरूरी है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं बहुत जल्दी ही एक नए फीचर और एक नए वीडियो के साथ आपके पास आऊंगा।